स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही ओंकार और गायत्री के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, वैसे ही ओंकार के साथ भगवान के साथ एक आकार होकर के भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के भगवान के अनुग्रह को हर पल अनुभव करते हुए प्रभु में ऐसे समाहित हो जाए कि अपना कोई अस्तित्व अब बचा ही नहीं, शेष नहीं रहा। भगवान के साथ एक आत्मा हो गई, तन्मय तद्रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। ध्यान का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सहज साधन है भगवत शरणागति। इसी को योग दर्शन में अभ्यास का है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। इसी को भक्ति भी कहा है। जिस भी रूप में हम इस साधना के सत्य को कहें, बस जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो भगवान के साथ और भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु तत्व का ध्यान, जैसे ही गुरुओं की शरणागति में, ऋषियों की शरणागति में
गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में वीतराग विषयम वाचित्तम, जिन्होंने राग और द्वेष से अपने चित्त को हटा लिया है, जो क्षत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो भगवान के साथ एकात्म होकर के जीते हैं। भगवान के विधान से, भगवान का काम करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के निमित्त सब संबंधों का निर्वहन करते हुए, जो भगवत कार्य का निष्पादन करते हैं, ऐसे गुरुओं की सन्निधि मात्र से हम उस परम सत्ता की जीवंत अनुभूति कर पाते हैं। यूं तो ये सारा अस्तित्व ही भगवान का प्रत्यक्ष, क्योंकि हर रचना के पीछे वो रचयिता ही तो है। मनुष्य की बुद्धि की बात नहीं कि शरीर की किसी एक कोशिका से लेकर के, किसी एक उत्तक अवयव घटक से लेकर के कोई नए शरीर का सृजन कोई मनुष्य कर सके, ये तो उस विधाता के विधान से ही सारा निर्माण चल रहा है। तो सारा दृष्ट मूर्त प्रत्यक्ष जो कुछ हम अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर देखते हैं, वासुदेव सर्वमेश वास्यमिदं सर्वम्, ओम सर्वम करोदम ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र सर्व। ये सब भगवान का ही प्रत्यक्ष, भगवान का ही मूर्त रूप है, भगवान का ही दर्शन है। और इस में जो गुरु तत्व होता है, वहाँ भगवान की अभिव्यक्ति घनीभूत होकर के हमें अनुभव में आती है, क्योंकि गुरु ने सत्व को ही अपना सर्वस्व सत्य और परम सत्य को ही अपना जीवन और अपना सारा व्यक्तित्व बना लिया है, ऐसा जिसमें एक सत्व के अलावा, एक सत्य के अलावा उसे परम सत्य ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ऐसे गुरुओं की सन्निधि मात्र से हम इस भगवान के पथ पर, अनंत के पथ पर, मुक्ति के पथ पर सहज ही बढ़ने लगते हैं। हमारा सहज ऊर्ध्वारोहण, दिव्यारोहण होने लगता है और जिनके चित्त में अभी चंचलता शेष है, तन में रोग हैं, मन में अभी विकार शेष हैं, क्लेश हैं, बहुत तरह के अंतर्द्वंद्व चलते रहते हैं, वासनाएं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, प्रारब्ध दोष है, पुरुषार्थ के अभ्यास के दोष है, वे भी योगाभ्यास के द्वारा अपने सभी अभ्यासों को परिष्कृत कर लेते हैं। इसलिए योग में अभ्यास शब्द को जोड़ा है, इसको अभ्यास कहें, भगवत शरणागति कहें। इसको अभीप्सा कहें, त्याग कहें, समर्पण कहें, शब्दांतर से विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षत्व कहें, सारे साधन एक ही सत्य में सिमट जाते हैं। प्रभु आपकी शरण है। और जैसे ही भगवत शरणागति में आते हैं, प्रभु के, भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, सामर्थ्य से, नित्य विभूति से, दिव्य ऐश्वर्य से प्रभु में आशीषित कर देते हैं।
तो जो प्रारंभिक साधक है प्राणायाम के जप, प्राणायाम के तप ओंकार के जप पूर्वक साधना प्रारंभ करते हैं, तो फिर उनको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है साधना के सत्यों को आत्मसात करने के लिए। आइए गुरु और भगवान की शरणागति में, गुरु और भगवान का प्रियाचरण करते हुए हर समय ऐसे जिए जैसे मैं गुरु की आंखों के सामने हूं, भगवान की आंखों के सामने हूं। और तो ऐसे जीते हैं जिनको गुरु का प्रत्यक्ष हो गया है सच्चे अर्थों में, उनको भगवान का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटे ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करते हुए प्राणायाम का तप ओंकार और गायत्री का जप, ये हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छे समिपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वानि युनक्तु मह्यम्। जब हम सर्वात्मना गुरु के साथ एकात्म हो जाते तो स्वयं गुरु रूप हो जाते हैं। इस गुरु तत्व को, ऋषि तत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। अजस्रसूर्यो दयदीप्तिमन्तं दिव्यप्रभामूर्ति महाप्रतिष्ठं अजस्रसूर्यो दयदीप्तिमन्तं दिव्यप्रभामूर्ति कालिमग्नं नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मं नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मं असार संसार भवार्णवाया मोहावृतानन्दतरङ्गिताय असार संसार विज्ञानभासान्वितनौ विशालं नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मं
पासा कुल व्याकुलाया तृष्णा तरंगा हृत शांत काय आशा पिपासा कुल व्याकुलाय कृष्णा तरंगा हृत शांत काय काली
गुरु और भगवान की शरणागति में जब हम आत्म तत्व से परमात्म तत्व से एकात्म हो जाते हैं, कपाल भाति की तरह ही अनुलोम विलोम भी ऐसे ही नाम मंत्र भजन कीर्तन के आश्रय से पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। नाथ तू ही एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू एक सारे विश्व का
सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सामने। सब के सब प्राणी बराबर चेतना में प्रविष्ट होने में साधन का कार्य करते। सृजनशीलता, क्रियाशीलता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है और यह क्रियात्मक योग है, क्रिया योग तपः स्वाध्याय ईश प्रधानानि क्रिया योग। योग के तत्वों को कभी क्रिया योग कह के, कभी अष्टांग योग कह के, कभी समाधि योग कह के, कभी विभूत योग कह के, कहीं उसको
कैवल्य योग कह के, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, जो भी नाम दें, एक साधन को पकड़ा और साधना की राह हम आगे उठने लगते हैं। और एक साधन पकड़ करके उस परम सत्य को आत्मसात करते हैं, पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। जगत के लोग जगत के आकर्षणों में खुशियां मनाते हैं, हम जगत में उस ब्रह्म का परम आकर्षण देखते हैं। वो केवल बाह्य सौंदर्य के गीत गाते हैं, हम इस पूरे जगत में भगवान के परम सौंदर्य का दर्शन करते हैं। मनुष्य और मनुष्य तर जड़ चेतन जीव जगत में, इस पूरी व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में, सृष्टि की कड़कड़ में, उस भगवान के ही परम सौंदर्य का दर्शन करते हैं, उसके परम विधान का दर्शन करते हैं। जितने गहरे जाते हैं और उसकी विराटता को पाते हैं। विश्वाहो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पश इंद्रस्य यज्ञासक तद विश्वाहो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा। ओमुद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्र सूर्यं अगन्म ज्योति। इस जगत में स्थूल प्रत्यक्ष भी भगवान का है, इस स्थूल के पीछे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और इस सगुण साकार ब्रह्म के परे जो अपर ब्रह्म है, जो अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट है, व्यवहार्य है, निर्वचनीय है, जो अप्रतिम है, और इसके परे भी जो एक सत्ता मात्र है, परात पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म, जितनी सूक्ष्मता में जाते हैं उतना ही उस ब्रह्म को और भूमा के रूप में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य के रूप में पाते हैं। एक साधन पकड़ लिया और तप करते करते अपने आप ही स्वाध्याय में और ईश्वर प्रधान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तप प्राणायाम परमं तपः, प्राणायाम परम तपः, स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। इसका तात्पर्य यही है कि प्राणायाम का तप करते करते, ओंकार का जप करते करते, जैसे मोक्ष शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कहाँ गया है वह हमारी अनुभूति प्रगाढ़ होने लगती है और उस भगवान के साथ हम पूरी तरह एक आत्मा हो जाते हैं। तस्मिन् परम गुरु सर्वक्रियाणाम अर्पणम समर्पणम एष प्रधान तपस्वाध्याय एष प्रधानानि क्रियते। कपाल भाती चल रहा है और मूलाधार से सहस्रार तक जो एक अंतर सहज नाद है, पिंड में, ब्रह्मांड में, नाड़ी के एक एक धड़कन में, सभी धमनियों में वही धड़क रहा है।
और इस पूरे ब्रह्मांड में उसी एक ब्रह्म का निनाद, प्रभु तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो। ऐसे एक साधन बना ले प्राणायाम के, तप को, ओंकार के, जप को, और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को शुद्ध कर लेते, नवद्वारों को, 72,72,10,000 नाड़ियों को, पंच भौतिक देह को, पंच महाभूतों को, पंच तन्मात्राओं को, पंच कोशों को, पंच प्राणों को, पंच उपप्राणों को, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों के इनके विषयों को शुद्ध कर लेते। अब जगत का आकर्षण हमको मोहता नहीं है, लुभाता नहीं है, बहकाता नहीं है, भ्रमाता नहीं है, कोई हमारे भीतर उद्विग्नता पैदा नहीं करता है, कोई वासना पैदा नहीं करता है, क्योंकि इस जगत के आकर्षण से परे उस जगदीश्वर का आकर्षण, गुरु और परम गुरु की शरणागति में हम सारे आकर्षणों से, सारे प्रलोभनों से, सारी कामनाओं से, सारी वासनाओं से, सारे विकारों से अब मुक्त हो गए। यही तो है मुक्ति। एक है आंशिक मुक्ति, एक है शनै शनै फिर पूर्ण मुक्ति। सब प्रकार के अशुभ से मुक्त हो गए, दिव्यता से युक्त हो गए, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः परम पुरुष ख्याति गुण वैत्रिश। इस अभ्यास से अथवा भगवत शरणागति से एक बड़ा सत्य घटित होता है साधना में, साधक के जीवन में। एक ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठा, निष्ठा, एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, सब नाम रूपों में भी उसी ब्रह्म तत्व को अनुभव किया और उनके पार सब नाम रूपों में भी प्रभु तेरी महिमा, तेरा ही ऐश्वर्य, तेरा ही आकर्षण, तेरी ही शक्ति, तेरी ही ज्योति, तेरा ही आकर्षण, और सब नाम रूपों के पार भी प्रभु तो है, बिंदु भी तो है, सिंधु भी तो है। यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे व्याः, तथा विद्वान्नाम उपाद मुक्तः परात् परम पौरुषम् पैति, नाम भी तो है, अनाम भी तो है, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, ज्ञात अज्ञात, तो ही है प्रभु सर्वस्व मेरा। ऐसे शुद्ध विवेक से, शुद्ध ज्योति से, शुद्ध प्रकाश से
प्रकाशित होकर के श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान की शरणागति में उस एकात्म होकर के उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञान तो उसी को जान, उसी का ज्ञान, उसी का प्रकाश, उसी की ज्योति, उसी की महिमा को सब और देखते हैं। ज्ञान तुम दृष्टो, फिर उसी का प्रत्यक्ष होता है सर्वत्र, और फिर उसमें प्रविष्ट हो गए। हम प्रविष्ट हैं बस, अब ब्रह्म के साथ एक आत्मा हो गए, अब अपना आपा कुछ नहीं रहा। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विद्वार्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतपः यदग्ने स्याम अहम त्वं त्वं वाग्भास्याहम्। स्योष्टे सत्या यहाश, फिर तो हम प्रभु में खो जाते हैं, प्रभु में एकात्म हो जाते हैं, प्रभु में समाहित हो जाते हैं। यद अग्नि स्याम अहम त्वम, और फिर भगवान पूरे वेग से, पूरी ज्योति से, पूरे ज्ञान से, पूरे प्रकाश से, पूरे आलोक से, पूरी तरह से हम में उतर जाते हैं। दिव्य मति बन करके, दिव्य भक्ति बन करके, दिव्य कृति बन करके हमारी सारी प्रकृति में, पूरे व्यक्तित्व में, चरित्र में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में भगवान ही अवतरित हो गए। जीवन भगवान का यंत्र बन गया, भगवान के आशीष उतरते हैं सहज रूप से, और हम पूरी तरह से प्रभु से आशीषित हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। से पूर्ण प्रकाश से, पूर्ण ज्योति से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण परमार्थ से, साधना से, सेवा से, सब प्रकार के दिव्यताओं से हम युक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के भगवान की सभी दिव्यताओं के जीवंत अभिव्यक्ति बन करके जीने लगते हैं। प्रथम नाम मंत्र भजन कीर्तन का आश्रय लेते हैं, और फिर ये भी छूट जाते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं। प्रथम नाम जप, वो
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का जप, नाम और मंत्र का आश्रय, वाचिक जप कहते हैं। फिर बोलने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, उपान से जप। और फिर ये ओष्ठ भी हिलने बंद हो गए, मानसिक जप। और एक स्थिति वह आती है कि मन से भी अब प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, अजप आ जप, ओंकार में एकाकार ही हो गए। अजप आजप और
नाम से, मंत्र से, भजन से, कीर्तन से, भगवान की महिमा में श्रवणम कीर्तनम विश्वास स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय, भगवान की भक्ति में, भगवान के आलंबन में। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। भगवान के आलंबन में जैसे ही पहुंचते हैं ऐसे ही हम ब्रह्मलोक में आ जाते हैं, आत्मालोक में, दिव्यालोक में, दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो जाते। अजब अजब भगवान की पूर्ण शरणागति। और बस फिर इस भगवान की शरणागति में रह करके भगवान के विधान के अनुरूप जीते हुए, उस भगवान के विधान को हम गुरुओं से समझते हैं, शास्त्रों से समझते हैं, मोक्ष शास्त्रों से समझते हैं, अपरापरा विद्या के अभ्यास से समझते हैं। ये अपरापरा विद्याओं का अभ्यास, अभ्युदय श्रेयस का अभ्यास, ये पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभ्यास, पुरुषार्थ जीवन के सारे पुरुषार्थ इसी के लिए हैं कि उस भगवान के विधान को हम अनुभव करें और उसी में जिए। करोड़ों में किसी एक को प्रारब्ध से भगवान के विधान में जन्म से ही प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसी को कहा जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है। शेष को अपरापरा विद्याओं के अभ्यास से, अभ्युदय निश्रेयस के अभ्यास से, प्रवृत्ति निवृत्ति के अभ्यास से, प्रार्थना पुरुषार्थ से इस सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। यही साधन है। और जब ये साधन सिद्ध हो गया, हम भगवान की शरणागति में प्रतिष्ठित हो गए। आत्मा में फिर जो परमात्मा प्रेरणा देता है उसको आत्मवेद कहो, आत्मज्ञान कहो, आत्मज्योति कहो, ब्रह्म ज्योति कहो, उसमें पूरे एक आत्म हो गए। भगवान की शरणागति में आके भगवान के विधान के अनुरूप ही फिर जब जीने लगते हैं, भगवान के निमित्त ही सब कार्यों का निष्पादन करने लगते हैं, फिर कुछ भी जीवन में कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई क्लेश शेष नहीं रह जाता। इसलिए भगवान का आलंबन बोलो, भगवान का आलिंगन बोलो, भगवान का आश्रय बोलो, भगवान की शरणागति बोलो, भगवान का अनुग्रह, उससे अनुग्रहित होकर के और बस भगवान की शरण में जी रहे, भगवान के यंत्र बन करके, भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को, सब संबंधों को निभाते हुए, सब योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म का, अपने सब भौतिक उत्तरदायित्वों का, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का, सांसारिक उत्तरदायित्वों का, मानवीय उत्तरदायित्वों का, मानव धर्म का, अपने सेवा धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने विद्या धर्म का, अपने ऋषि धर्म का, अपने मानव धर्म का निर्वहन करते हुए अपने अध्यात्म धर्म में, आत्म धर्म में, ब्रह्म धर्म में, अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में अपने बरतते रहते हैं। यही योग का व्यवहारिक दर्शन है।
यही ध्यान का, समाधि का, योग का, सहज योग का, सहज समाधि का दर्शन है। ऐसे ही ये योग हम सबके जीवन में घटित हो जाए, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और हम इस पूर्णता में, अपने स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित रह करके प्रतिपल जिए और इस अपने स्वरूप से क्षण के लिए भी नीचे ना आए, यही साधना है, यही साधन है, यही सिद्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों से गर्म ऊर्जा का उष्मा का आनंद आंखों पर कर लेंगे। ये योग का एक चरण पूरा हुआ है।